नई सुबह प्रेजेंट्स इस्लाम में मुस्कुराहटें। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने की इजाज़त मांगी। उस वक्त चंद कुरैशी खवातीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास बैठी जोर जोर से उनसे बातें कर रही थी और आपसे नानो नफका के अखराजात बढ़ाने का सवाल कर रही थी, मगर जूं ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अंदर आने की इजाजत तलब की, वो खवातीन जल्दी जल्दी उठकर पर्दे के पीछे भाग गईं। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उन्हें अंदर आने की इजाजत दी और आप हंस रहे थे। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह ताला आपको उम्र भर हंसाता रखे, आखिर क्या वजह है कि आज आप मामूल के खिलाफ हंस रहे हैं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उन औरतों पर ताज्जुब हुआ, वो अभी अभी मेरे पास बैठी ऊंची आवाज में बातें कर रही थी, मगर तुम्हारी आवाज सुनते ही भाग कर पर्दे के पीछे छुप गयी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आप इस बात के ज्यादा हकदार थे कि ये बीवियाँ आपसे डरती। फिर अज़वाजे मुतहरात रजी अल्लाह ताला अन्हुन्ना से यूं मुखातिब हुए, अपनी जानों की दुश्मनों, मुझसे डरती हो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से नहीं डरती? वो पर्दे के पीछे से कहने लगी, हाँ हम आपसे डरती हैं, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बरखिलाफ आप मिजाज के बहुत सख्त हैं। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर शैतान भी तुमसे रास्ते में मिल जाए तो झट वो रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता है। रवाहुल बुखारी।